और मथुरा लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस्कॉन की स्थापना स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी और हम सब जानते हैं भक्ति वेदांत तो स्वामी श्री शील प्रभुपाद जी महाराज वे एक सन्यासी थे। हरे कृष्णा मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने इस्कॉन अर्थात कृष्ण भावना भावित संघ की स्थापना की। स्वामी जी का जन्म तो बंगाल में हुआ था 1896 में और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को अपने पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के आदेश पर उन्होंने दुनिया के अंदर इस आंदोलन को फैलाने का काम किया, जिसके माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार करना और उसके माध्यम से उन्होंने दुनिया के अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीला को उनकी भक्ति के प्रचार प्रसार के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश के सही भाव को ज्ञान भक्ति और वैराग्य के इस भाव को आम जन तक पहुंचाने का जो कार्य स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने उस समय किया था, आज भी उनके अनुयायी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और कई ज्यादा ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी प्रभुपाद जी ने अपने समय में दुनिया के अंदर 108 से अधिक मंदिर बनाए और आज पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों की संख्या में इन मंदिरों की स्थापना के साथ ही श्री कृष्ण की भक्ति और उनके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। आज वृंदावन में भी 1976 में जिस गुरुकुल की स्थापना हुई थी भक्ति वेदांत गुरुकुल और इंटरनेशनल स्कूल, यह यहां पर कुशलतापूर्वक संचालित हो रहा है और यहां पर दो नई कड़ी जुड़ी है, एक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की भव्य प्रतिमा मंदिर में स्थापित होने के कार्यक्रम के साथ हम आज हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और दूसरा यहां पर दुग्ध प्रसंस्करण का एक केंद्र हम सबको देखने को मिला है, उसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर हुआ है। मेरा ये मानना है, मैं यहां पे गौशाला में भी गया हूं, मैंने देखा उन्नत नस्ल की भारतीय गोवंश यहां पर देखने को मुझे मिला है। भाइयों बहनों, अगर हमें अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को और पशुधन पशुपालकों की आमदनी को बढ़ानी होगी तो दुग्ध के साथ साथ दुग्ध से बने हुए उत्पाद को हमें प्राथमिकता देनी होगी। हम सब जानते हैं कि पहले तो भारतीय नस्ल का गोवंश उसकी उन्नत नस्ल आए इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी विश्वविद्यालय इसी मथुरा में स्थापित है, उसके द्वारा इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ हुआ है। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि गाय आज के दिन पर बड़ी मात्रा में आपने देखा होगा कहीं भी आप जाएंगे वे निराश्रित होकर के सड़कों पे घूमती है, किसी पे चोट लगती है, किसी को लोग नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत बार यही दंगों का कारण भी बनता है। ये गोवंश के लिए राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने तमाम उसके संरक्षण के लिए तमाम योजनाएं चलाई, उत्तर प्रदेश सरकार ने द्वारा निराश्रित गौ आश्रय स्थल प्रारंभ किए गए,
9 लाख से अधिक गोवंश वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के गौशालाओं में हैं, जिनका हम देखभाल कर रहे हैं। हमने सहभागिता योजना के माध्यम से 1 लाख से अधिक गोवंश किसान परिवारों को दे रखा है और हर गौवंश के लिए 900 रुपये उन किसान परिवारों को हम देते हैं। कुपोषित परिवारों को भी हमने गाय, एक एक ब्याई हुई गाय दे रखी है कि वे उसकी देखभाल करें। 900 रुपये हर माह हम उस परिवार को उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन इसे एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। न भारतीय नस्ल का गोवंश सुरक्षित रहे, इसके संरक्षण के साथ ही इसकी नस्ल को सुधार करने की दिशा में वेटनरी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के हमें सार्थक प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। दूसरा, दुग्ध लेने के साथ ही डेयरी स्थापित होने के साथ ही हर गांव में महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से दुग्ध समितियों का गठन करना, जो दुग्ध कलेक्शन कर सके घर घर से, और दुग्ध कलेक्शन करने के साथ ही हमें इस कार्यक्रम को भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा कि वह डेयरी में पहुंचे दूध जितनी खपत है उतनी दूध की खपत की पूर्ति करें। लेकिन दूध की एक छोटे समय तक ही आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं, बहुत होगा 24 घंटे तक, 12 से लेकर 24 घंटे से अधिक तक दूध को रखना बहुत कठिन होता है। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि अगर हमें किसान की आमदनी को बढ़ाना है तो उससे ज्यादा दाम दही में मिल सकता है, बटर में मिल सकता है, मक्खन में मिल सकता है, घी में मिल सकता है, या दूध से बने हुए उन तमाम उत्पादों में उससे अच्छा दाम मिल सकता है। और इसलिए वैल्यू एडिशन के लिए आवश्यक है हम उसकी प्रोसेसिंग करें, और इस प्रकार की प्रोसेसिंग सेंटर को जो यहां पर इस्कॉन ने यहां पर स्थापित किया है, क्वालिटी के साथ ही हम उसके वैल्यू एडिशन के साथ उसको जोड़ देंगे तो कई गुना दाम हमारे पशुपालकों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक अच्छी शुरुआत है, इस्कॉन को मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, ये धरती तो वैसे भी भगवान की अवतार की धरती है, लोग बड़ी श्रद्धा भाव के साथ यहां आते हैं। भारत से गए हुए सन्यासी वैश्विक मंच पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया, और आज दुनिया के अंदर